हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कुमार महेंद्र, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद पीएस परिहार पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो हम लोग जो सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी में या ठीक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड में जो हम लोग लर्निंग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? लर्निंग। और इस लर्निंग में हम लोग बहुत सारे सिद्धांत की बात कर चुके हैं, अर्थात हम लोग बात कर चुके हैं कि व्हाट इज़ लर्निंग, लर्निंग क्या है, लर्निंग की विशेषताएं, लर्निंग से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। और उसके बाद हम लोग लर्निंग के महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़े, फिर उसके बाद सीखने का नियम पढ़े, फिर उद्दीपक अनुक्रिया का नियम पढ़े, आईपी पावलोव का नियम पढ़े। इतनी चीज़ें हम लोग क्या कर लिए, पढ़ लिए। और इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग ठीक है तो पुनर्बलन का सिद्धांत पढ़ेंगे, और उसी के साथ साथ हम लोग आज ठीक है स्किनर का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो इतना दो चीज़ें आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी बच्चे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं उसको क्या कर लें, देख लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे किसी भी स्टेट का टीटी का एग्ज़ाम हो, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है आपका क्या, लर्निंग। टोटल 10 नंबर अकेले लर्निंग से क्या होगा, पूछा जाएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम लोग सेशन। तो एक बार आप सभी लोग मित्रों को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तो मैं जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट पूरा क्या करा दूंगा, कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग ठीक है अगला लेक्चर चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को यह लेक्चर कैसा लगा। तो आइए चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और बात करते हैं। देखिए, आज हम लोगों को डिस्कस करना है बच्चों, किस सिद्धांत के बारे में डिस्कस करना है उस पर हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो देखिए, हमको आज डिस्कस करना है जो हमारा प्रिंसिपल है उसकी अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को बात करनी है पुनर्बलन का सिद्धांत। बहुत इम्पॉर्टेंट है पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत अर्थात हम लोग कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट, प्रिंसिपल ऑफ रीएनफोर्समेंट अर्थात पुनर्बलन का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत के बारे में अगर हम लोग बात करें, इस पुनर्बलन के सिद्धांत के बारे में, तो इसका बहुत सारा नाम है। तो इसका क्या क्या नाम है उस पर भी हम लोग डिटेल क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं इस पुनर्बलन के सिद्धांत को। देखिए, अगर हम लोग पुनर्बलन के सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन करता है उसकी बात करें, जो इसके प्रतिपादन करता है इस सिद्धांत को, जो दिया उसकी अगर हम लोग बात करें, तो देखिए उस सिद्धांत को देने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं, अगर उनकी हम लोग बात करें तो इस सिद्धांत को जो देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है सी एल हल। क्या नाम है? सी एल हल, अर्थात इनको देखिए पूरा नाम है क्लार्क एल हल, क्लार्क एल हल। अब देखिए, प्रश्न यह उठता है कि जो यह सी एल हल महोदय हैं, यह महोदय निवासी कहाँ के हैं? अगर देखिए हम लोग निवासी की बात करें तो यह देखिए इनका जो निवास स्थल है अर्थात इनका जहाँ पर जन्म हुआ है उसका नाम है यूएसए, अर्थात यह देखिए अमेरिका के रहने वाले हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें सी एल हल महोदय की, तो सी एल हल जो प्रोफेसर में थे या मैथमेटिशियन थे, सी एल हल क्या थे आपके, देखिए मैथमेटिशियन थे, अर्थात मैथ्स के क्या थे, प्रोफेसर थे। और सी एल हल जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में रहते थे, तो इनके आसपास सभी लोग ठीक है साइकोलॉजी के थे, किसके थे, साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहते थे। तो इन्होंने क्या, और यह मैथमेटिक्स के क्या थे, प्रोफेसर थे। तो इन्होंने देखिए क्या किया कि सभी लोगों का जितना भी सिद्धांत आया था, लगे इन्होंने सबके सिद्धांत का अध्ययन करने, और सभी लोगों के सिद्धांत का इन्होंने अध्ययन किया, और इनके ऊपर सबसे अधिक किसी के सिद्धांत का प्रभाव पड़ा, तो वह पड़ा आपका थंडाइक और पावलोव के, किसके सिद्धांत का, थंडाइक और पावलोव के। और यह मैथमेटिशियन से बन गए क्या, साइकोलॉजिस्ट, बस में रहना। और इनके सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इनके सिद्धांतों में अधिगम के सभी सिद्धांतों को क्या किया गया, शामिल किया गया। तो देखिए, यह मैथमेटिशियन थे, और इसकी बात अगर बात करें तो इनके सिद्धांत पर, जो इनका सिद्धांत है पुनर्बलन का सिद्धांत, इनके सिद्धांत पर सबसे अधिक किसी का प्रभाव पड़ा तो थंडाइक महोदय का पड़ा, किस पर पड़ा, थंडाइक महोदय का। और दूसरा देखिए किसी का प्रभाव पड़ा तो वह आपका आईपी पावलोव का पड़ा, आईपी पावलोव महोदय का इस पर क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा।
ठीक है। अब देखिए, कभी पूछा जाए कि इनका प्रयोग किस पर था, तो देखिए प्रयोग की अगर हम लोग बात करें तो इनका प्रयोग बिल्ली पर था। किस पर था? बिल्ली पर। जैसे थांडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, तो यह भी प्रयोग किस पर किए थे? बिल्ली पर किए थे। और देखिए, अगर हम लोग सी एल हल महोदय के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करने की कोशिश करें, बात करने की कोशिश करें, तो इनकी एक पुस्तक है, इनकी एक क्या है, बुक है, जिसमें इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, जिस बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, द प्रिंसिपल ऑफ, द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। तो इनकी पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, और यह पुस्तक देखिए पब्लिश्ड हुई थी, यह पुस्तक कब देखिए पब्लिश्ड हुई थी, पब्लिश्ड हुई थी इनकी पुस्तक 1915 में। कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? 1915 में इनकी पुस्तक पब्लिश्ड हुई थी, और इसी पुस्तक में इन्होंने 1915 में इनकी पुस्तक क्या हुई थी, पब्लिश्ड हुई थी, और इसी पुस्तक में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। कौन? पुनर्बलन का सिद्धांत। और देखिए, यह अपने सिद्धांत में अगर हम लोग थोड़ा सा और बात करें, तो यह अपने सिद्धांत में अगर हम लोग सी एल हल महोदय की बात करें, तो यह अपने सिद्धांत में सीखने के लिए, देखिए सीखने के लिए सबसे अधिक अगर किसी चीज पर बल देते हैं तो किस पर देते हैं? आवश्यकता पर, आवश्यकता पर देते हैं, और आवश्यकता के बाद किस पर देते हैं? प्रेरणा पर बल देते हैं, दो चीज पर। तो ये सीखने के लिए आवश्यकता पर बल देते हैं, नीड पर बल देते हैं, और कहते हैं कि व्यक्ति को वही चीज सीखनी चाहिए जिस चीज की व्यक्ति को क्या हो, आवश्यकता हो, और उसको उसी क्षेत्र में हमको क्या करना चाहिए, पुनर्बलित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, तो व्यक्ति अपने क्षेत्र में बहुत अधिक क्या करेगा, परफॉर्मेंस करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको नीड है, ध्यान से समझिएगा, आपको आवश्यकता है, इस समय आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप जॉबलेस हैं। आप क्या हैं? जॉबलेस हैं। आपको जॉब की क्या है, आवश्यकता है, और इसी जॉब दिलाने के लिए न जाने कितने लोग आपका फायदा उठवा रहे हैं, कुछ भी आपको पढ़ा दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो आपको जॉब की आवश्यकता है। अब देखिए ध्यान से, आपको आवश्यकता किसकी है? जॉब की है। और आपको लग रहा है कि मैं टीटी क्वालिफाई हो जाऊंगा, मैं सुपर टेट क्वालिफाई हो जाऊंगा, तो जो आने वाली ठीक है 52,000+ जो वैकेंसी है, इसमें मेरा क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अर्थात मैं अब आपको मोटिवेट या पुनर्बलित किसी क्षेत्र में करूंगा, तो आपकी रुचि को देखते हुए आपका मन है कि मुझे 52,000 अगली जो वैकेंसी है उसमें सिलेक्शन लेना है, क्योंकि आपकी क्या है, जॉबलेस है। आप क्या है, जॉबलेस है, तो आपकी आवश्यकता है। तो ये कहते हैं कि व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता होती है उसी क्षेत्र में व्यक्ति सीखने का क्या करता है, प्रयास करता है। ठीक है, अर्थात देखिए यह अब इसके आगे क्या कहते हैं, यह कहते हैं कि जो सीखना है, देखिए यह कहते हैं, इनका स्टेटमेंट है सी एल हल के अनुसार, सी एल हल के अनुसार, सी एल हल के अनुसार, सी एल हल महोदय देखिए क्या कहते हैं, यह कहते हैं कि सीखना, यह कहते हैं सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। आवश्यकता की पूर्ति की क्या है, प्रक्रिया है। अर्थात व्यक्ति उसी चीज को सीखता है जिससे उसके आवश्यकता की क्या हो, पूर्ति हो। अगर आपके आवश्यकता की, आपके नीड की अगर मैं सप्लाई कर दूंगा, बस में रहना, तभी आप मुझसे सीखेंगे, नहीं तो आप मुझसे सीखेंगे नहीं। अगर आपको लगेगा कि आपकी नीड कुमार महेंद्र सर से पूरी नहीं हो रही है, तो फिर आप कोई दूसरा सर ढूंढेंगे, बस मत। लेकिन आपको लगेगा नहीं मेरी नीड पूरी हो रही है, तो आपको उसे लर्निंग करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। यही बात आपका कौन कहते हैं, सी एल हल महोदय भी कहते हैं। क्लियर। अब देखिए, यह प्रयोग बिल्ली पर किए थे। प्रयोग किस पर किए थे? बिल्ली पर किए थे। जैसे बिल्ली थी, ध्यान समझिएगा, तो बिल्ली को भी उद्दीपक रूपी भोजन दिखाई दिया। अब बिल्ली को आवश्यकता किसकी थी, भोजन की। बिल्ली को आवश्यकता किसकी थी, भोजन की थी, और वह भोजन के लिए एक्टिविटीज करना क्या करी, शुरू की, और उसको फिर भोजन मिल गया। अर्थात देखो, उसको पुनर्बलन जो है, जो मोटिवेशन है उसका क्या है, भोजन है। अगर बात लीजिए कि बिल्ली अगर आ रही है भोजन खाने के लिए, और हम भोजन खींच लें, भोजन उसको न दे, तो क्या दोबारा बिल्ली उस तरफ एक्टिविटीज करेगी, नहीं करेगी, फिर वो दूसरे जगह एक्टिविटीज करेगी जहां पर उसको भोजन क्या हो जाए, मिल जाए। तो यही कहते हैं कि जो व्यक्ति है वह सीखना
ठीक है, आवश्यकता की क्या होती है, पूर्ति होती है, अर्थात यह कहते हैं कि व्यक्ति वही चीज सीखता है। देखिए इसके बाद यह क्या कहते हैं, यह कहते हैं कि व्यक्ति व्यक्ति वही चीज सीखता है, व्यक्ति देखिए कहते हैं कि व्यक्ति वही चीज सीखता है जिससे उसको क्या मिले, संतुष्टि मिले। अर्थात सीखना जो है यह संतुष्टि की क्या है, प्रक्रिया है। अर्थात व्यक्ति उसी चीज़ को सीखता है जिसके द्वारा उसको संतुष्टि मिले। आपको लगा होगा कि मैं बीएड कर लूँगा, बीटीसी कर लूँगा, डीएलएड कर लूँगा, डीएड कर लूँगा तो मेरी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, बस में रहना। तो आपने क्या कर लिया, डीएड कर लिया, बीएड कर लिया, बीटीसी कर लिया और आपकी आवश्यकता की क्या हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी। अगर आपको लगता कि बीएड करने के बाद भी हमको क्या करना है, पकौड़ा तलना है, तो क्या आप बीएड, बीटीसी, डीएलएड करते? बिल्कुल नहीं करते। आपने इसलिए कर लिया क्योंकि लगा आपको कि मेरी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। इसीलिए आपके घर वाले, आपके गांव वाले, आपके ठीक है जो शुभचिंतक हैं, जो आपके सोना है, जानू है, धनिया पुदीना है, या आपको क्या किए, मोटिवेट किए, भाई कर लो, ध्यान समझे, कर लो डीएलएड, जैसे कंप्लीट हो जाएगा प्राइमरी में नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, आपको लगा कि मेरी आवश्यकता की क्या है, पूर्ति है। लेकिन अगर मान लीजिए 5-6 साल वैकेंसी आए ही ना, फिर देखिए अब लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा क्योंकि उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही। समझ गए होंगे कि यह किस पर क्या देते हैं, बल देते हैं। अर्थात यह कहते हैं कि व्यक्ति वही चीज सीखता है जिससे उसकी आवश्यकता की क्या होती है, पूर्ति होती है। व्यक्ति उसी चीज को क्या करता है, सीखता है। अब इसके बाद देखिए इनके सिद्धांत को अगर हम लोग बात करें, जो इनका सिद्धांत है, इनके सिद्धांत को देखिए स्किनर क्या कहते हैं, स्किनर कहते हैं, स्किनर महोदय कहते हैं कि जो सीएल हल्का सीखने का सिद्धांत है, हल्का सिद्धांत, हल्का सिद्धांत अब तक का सबसे अच्छा सिद्धांत है। तो जो हल्का सिद्धांत है यह अब तक का सबसे अच्छा सिद्धांत है। अर्थात क्यों अच्छा सिद्धांत है, क्योंकि यह सीखने के लिए आवश्यकता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आवश्यकता की बात करते हैं, और दूसरा देखिए किसकी बात करते हैं, प्रेरणा की बात करते हैं, अर्थात पुनर्बलन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पुनर्बलन की बात करते हैं, इसलिए इनका सिद्धांत सबसे क्या है, अच्छा। तो मेरे समझ से आपको इनका सिद्धांत समझ में आ गया होगा। इतनी बातें आप याद रखिए, एक भी प्रश्न छूट जाएगा तो बताइएगा। अब बात आती है कि इनके सिद्धांत के जो बहुत सारे उपनाम हैं, अब हमको इनके सिद्धांत के जो उपनाम हैं उसको थोड़ा सा हमको समझना है। तो आइए देखिए अब हम लोग अगले सेगमेंट में इनके सिद्धांत के उपनाम को समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। देखिए इनके सिद्धांत का जो उपनाम है उसको भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए इनके सिद्धांत का जो उपनाम है, बहुत नामों से इनका सिद्धांत पूछा जाता है और इस बार 100% आप लोगों के एग्जाम में आएगा। तो देखिए इनके सिद्धांत का जो उपनाम है, आइए इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए इनका जो मेन सिद्धांत है उस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है, पुनर्बलन का सिद्धांत, रेनफोर्समेंट थियरी। फिर देखिए इसी को सबलीकरण का भी सिद्धांत कहते हैं, सबलीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को देखिए जैविकी अनुकूलन का भी सिद्धांत कहते हैं, सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को देखिए और किस नाम जानते हैं, इसी को प्रबलन का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रबलन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को देखिए और किस नाम से जानते हैं, प्रबलन का भी सिद्धांत कहते हैं। और देखिए हम लोग बात करें तो इसी सिद्धांत को आवश्यकता हास का सिद्धांत भी कहते हैं, आवश्यकता हास का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए और इसी को किस नाम से जानते हैं, और देखिए बच्चों हम लोग बात करें तो इसी को आवश्यकता हास का, पुनर्बलन का, सबलीकरण का, और देखिए सिद्धांतों की अगर हम लोग बात करें
तो इसी को देखिए, सतत अधिगम का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत, इसी को देखिए, सतत अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, इसी को देखिए और क्या बोलते हैं, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, क्योंकि सबसे बेस्ट सिद्धांत है, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। एक देखिए और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्नोद, अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत, अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत, इसी को देखिए, अंतर्नोद न्यूनता के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो यह देखिए इनके सिद्धांत के क्या हो गए, उपनाम हो गए। एक बार इसको मेरे साथ आप लोग सभी लोग लर्न करने का क्या करिए, प्रयास करिए, और मेरे साथ सभी लोग बोलिए, आपके घर में लगना चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, बस मर रहे ना, आप पढ़ाई कर रहे हैं बोल बोल के। तो मेरे साथ आप लोग बोलने का क्या करिए, प्रयास करिए। तो चलिए बताइए सभी लोग, पुनर्बलन का सिद्धांत किसका है, रेनफोर्समेंट थ्योरी किसकी है, सीएल हल की, सबलीकरण का सिद्धांत किसका है, सीएल हल का, ठीक है, जैविकी अनुकूलन या अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, सीएल हल का, प्रबलन का सिद्धांत किसका है, सीएल हल का, आवश्यकता हास का सिद्धांत किसका है, सीएल हल का, ठीक है, सतत अधिगम का सिद्धांत किसका है, सतत अधिगम का सिद्धांत किसका है, सीएल हल का, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत किसका है, सीएल हल का, चालक न्यूनता का सिद्धांत किसका है, सीएल हल का, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत किसका है, सीएल हल का, अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत किसका है, सीएल हल का, सब एक ही सिद्धांत का नाम है, पुनर्बलन के सिद्धांत का। इतनी बातें बिल्कुल क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम लोगों को बात करनी है कि जो इनका सिद्धांत है इसका हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे बच्चों के लिए, इनके सिद्धांत का हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे बच्चों के लिए। तो देखिए अगर हम लोग इनके सिद्धांत के इम्प्लीमेंट की बात करें कि आखिरकार कैसे आप लोग इनके सिद्धांत का इंप्लीमेंट करेंगे, उसको भी देखने का क्या करते हैं हम लोग, प्रयास करते हैं कि आप लोग इनके सिद्धांत को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसको देखिए, देखने का आप लोग क्या करिए, प्रयास करिए, इसका उपयोग क्या है, इनके सिद्धांत का उपयोग क्या है। अगर हम लोग उपयोगिता की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, अगर हम लोग इनके सिद्धांत की उपयोगिता की बात करें कि आखिरकार उपयोगिता क्या है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पाठ्यक्रम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम को हमेशा बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। पाठ्यक्रम को कैसे बनाना चाहिए, बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। चलिए एक बात हो गई, ठीक है, बच्चों को पढ़ाते समय ध्यान से समझिएगा, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को प्रेरित करके, अभिप्रेरित करके, बच्चों को मोटिवेट करके, बच्चों को पुनर्बलित करके हमेशा क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर आप बच्चों को प्रेरित या अभिप्रेरित या पुनर्बलित या पुनर्बलन के द्वारा पढ़ाना चाहिए, के द्वारा क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, के द्वारा क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, तो हमारी भी तो कोई अपनी क्या है, नीड है, हमारी भी कोई अपनी क्या है, नीड है, हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हमारी भी कोई आवश्यकता है। अब हमको भी तो प्रेरणा चाहिए, हमको भी क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। अब देखिए
अब हमारी प्रेरणा क्या है, लोगों की प्रेरणा क्या होता है, पैसा। सभी लोग कहते हैं कि भाई गुरु दक्षिणा दीजिए, हमारी भी क्या है, रोजी रोटी है भैया, पेट है, खाने के लिए कुछ चाहिए, हाँ तो हमारे आवश्यकता की पूर्ति होगी तो हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन हम सिर्फ आपसे क्या मांग रहे हैं, आप सलेक्शन लेके दिखा दो। हमारा मोटिवेशन क्या है, आपका सलेक्शन, बस में रहना, आप सलेक्शन लेके दिखा दो, ठीक है, हम आपको सलेक्शन दिलाने के लिए अभी प्रेरित हैं, बस में रहना, जो आपके अंदर भूख है उस भूख को पूरा करने के लिए हम क्या हैं, तैयार हैं, बस में रहना, हम भी चाहते हैं कि आपका सलेक्शन हो। और कभी आप एक बार भी बोल दिए कि महन सर ने हमको पढ़ाया था, हमारा सलेक्शन हो गया, आपको पढ़ाना बिल्कुल क्या हो गया, सार्थक हो गया, आत्मानुभूति मिलेगी। मैसलो के सिद्धांत का जो पांचवा है कौन सा, आत्मानुभूति, बस में रहना। चलिए, तो इसलिए कहते हैं कि अगर बच्चों को पढ़ाना है, किसको, बच्चों को पढ़ाना है, तो आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बच्चों को क्या करिए, उनका जो सिलेबस बनाइए, बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के बच्चों को प्रेरित या अभिप्रेरित की प्रेरणा के द्वारा बच्चों को पढ़ाना आप क्या करिए, शुरू करिए, ठीक। और बच्चों का देखिए ध्यान से, और बात करते हैं कि जो उद्देश्य होता है, जो क्या होता है उद्देश्य, अगर हम लोग बात करें तो जो आपका उद्देश्य और जो आपके लक्ष्य होते हैं, इसको बिल्कुल क्या रखिए, स्पष्ट रखिए, उद्देश्य और लक्ष्य को बिल्कुल क्या रखिए, स्पष्ट रखिए बच्चों के, कि बिल्कुल आपकी आवश्यकता है बिल्कुल पूरी होने वाली है। और बच्चों को पुरस्कार, पुरस्कार ठीक है, प्रेरणा, कभी कभी जरूरत पड़े तो दंड का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दंड कोई शारीरिक दंड नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, देखिए अगर ऑप्शन में है आपका पुरस्कार है, प्रेरणा है, दंड है, तो सबसे अच्छा क्या होता है आपका, प्रेरणा, प्रेरणा आप ज्वाइन करेंगे आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपका पुनर्बलन का सिद्धांत क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो पुनर्बलन पर बार बार प्रश्न क्या किया जाता है, पूछा जाता है, तो आपका पुनर्बलन का सिद्धांत समाप्त हो गया। फिर अगला सिद्धांत कि अगर हम लोग बात करें तो उस अगले सिद्धांत में हम लोग स्किनर का सिद्धांत पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्किनर का सिद्धांत, एकदम छोटी छोटी वीडियो में आपको बना करके क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो आपको यह सिद्धांत कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोगों की होगी वह स्किनर के सिद्धांत पर होगी, किस पर होगी, स्किनर के सिद्धांत पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।